टू इन माय चैनल। सो आज मैं आप लोग के लिए सेवैया खीर रेसिपी लेकर के आई हूँ, वो भी कस्टर्ड वाली। और इसको बनाना बहुत ही इजी और तरीके से आज बनाएंगे, आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा। और घर में ही रखे हुए सामान से हमारा बन के रेडी होगा। अब मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है हमको सेवैया खीर बनाने के लिए। तो आज कस्टर्ड वाली बना रहे हैं तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये लिए हम कुछ काजू, आमंड्स, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स लीजिए। और ये हम हाफ कप लिए हैं शुगर, 2 टेबल स्पून ऑफ लिए हैं बटर, और 3 टेबल स्पून ऑफ लिए हैं कस्टर्ड पाउडर। वनीला फ्लेवर कस्टर्ड पाउडर है, आप अपने च्वाइस के अकॉर्डिंग लीजिए। और 1 कप लिए हैं हम रोस्टेड सेवैया पतली वाली। और इसको फिर से रिप्रेस करने के लिए एक बार और रोस्ट करेंगे हम बटर के में। और 1/2 लीटर लिए हैं मिल्क। बस इन्हीं चीजों से आज का जो हमारा रेसिपी है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए इसका बनाना भी इजी है, इसका सामग्री भी बहुत कम जरूरत पड़ता है, खाने में बहुत ही लाजवाब है। हमारा कस्टर्ड सेवैया खीर जो है वो रेडी होगा। तो चलिए करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस, चलिए चलते हैं इसको बनाना शुरू करते हैं। देख लेते हैं पैन को होने देते हैं हीट। जैसे ही मेरा पैन हीट होगा इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी बटर, नाम मात्रा के लेंगे बटर, क्योंकि ये बटर हमको चाहिए सिर्फ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के लिए। तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेते हैं, रोस्ट करके इसको निकाल लेंगे, इससे जो है फ्लेवर इसका ज़्यादा बेहतर आता है। तो ये ड्राई फ्रूट्स जो है हमारा देखिए रोस्ट हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं एक प्याले में। इसको इस तरह से निकाल करके इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी और बटर। तो थोड़ी सी और इसमें ऐड करते हैं बटर, और जो सेवैया है हमारा ये तो ये ऑलरेडी रोस्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी बटर को हम तरह से मेल्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करके हम इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे इस तरह से, ताकि जो सेवैया है हमारा थोड़ा रिफ्रेश हो जाए और इसका जो बटर का ताज़ा टेस्ट है। तो इसलिए हम इसको कर लेते हैं। ये हमारा रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट साइड कर लेते हैं। तो देखिए अब सेवैया भी हमारा ये रोस्ट हो चुका है, तो इसको भी हम एक प्याले में पलट लेते हैं। इसको पलट लेंगे और पलट करके हम इसको ठंडी होने देते हैं। तो ये हमारा दोनों चीज जो है भून के रेडी हो गया है। अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस। भून चुका है, अब एक लिए हैं एक कढ़ाई में हम 1/2 लीटर जो मिल्क था उसको डाल दिए हैं। इसमें एक बॉयल आने देते हैं, जैसे इसमें बॉयल आएगा हम ऐड करेंगे भुना हुआ सेवैया। तो इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि जो दूध है वो नीचे तले में ना लग जाए, नहीं तो अगर दूध तले में लग जाएगा तो इसका जो फ्लेवर है वो खराब हो जाएगा। तो इस तरह से चलाते हुए इसको एक बॉयल आने तक इंतजार करेंगे। तो देखिए मिल्क में हमारा जो है वो बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे सेवैया, ताकि सेवैयों का जो कुक होने में थोड़ी सी टाइम लगता है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं और इसको हम चलाते हुए इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम मिक्स करके और इसको सॉफ्ट होने देते हैं। जैसे ही इसमें आएगा एक बॉयल इसमें हम ऐड करेंगे शुगर, क्योंकि शुगर जो है हमारा पाउडर शुगर नहीं है, इसको थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगता है और डिजॉल्व होगा। तो इसको हम ऐड कर देते हैं और इसको ऐड करके चलाते रहेंगे, चलाते हुए इसको कुक होने देते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, थोड़ा ये कुक होकर के सॉफ्ट हो जाएगा। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको सेवैयों को कुक होने देंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। उधर हमारा सेवैया जो है कुक हो रही है,
तब तक हमें कस्टर्ड पाउडर है इसमें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे मिल्क, 2 टेबल स्पून ऑफ इसमें ऐड करेंगे हम मिल्क। अब मिल्क ऐड करके इसका हम एक घोल बना करके रेडी कर लेंगे, तब इसको हम ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से वनीला कस्टर्ड पाउडर है, इससे जो है ये सेवैया खीर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी और बहुत क्रीमी टेक्सचर इसका हो जाएगा। तो इसको हम घोल करके रेडी रखते हैं। इधर हम सेवैया को चलाते हुए अच्छे से कुक कर लेते हैं जब तक ये पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए सेवैयों को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है, अब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, यानी 50-60% हमारा सेवैया जो है वो कुक हो चुका है। अभी इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर जो हम इसका घोल बना के रखे हैं। तो इसको एक बार में नहीं ऐड करेंगे, हम थोड़ी थोड़ी स्पून से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, इससे जो है इसमें किसी प्रकार का लम्स जो है वो नहीं बनेगा। तो इस तरह से मिक्स करते जाइए। और कस्टर्ड पाउडर ऐड करते समय एक बात को ध्यान दीजिए कि बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, तो मीडियम फ्लेम पे ही इसको मिक्स कीजिए। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, मिक्स करते हुए पका लेंगे इसको। बची हुई जो है उसको भी अब हम डाल देते हैं। और देखिए जैसे ही हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड किए हैं, ये हमारा खीर जो है वो एकदम से ठीक होने लगा है। इसका देखिए टेक्सचर कितना क्रीमी है। तो इस तरीके से आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, सेवैया खीर बहुत ही लाजवाब बनता है, सभी को बहुत पसंद आता है। ये हमारा सेवैया खीर जो है वो बन के रेडी हो गया है। देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी है। तो अब हम इसको इससे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, एकदम बहुत ही क्रीमी और परफेक्ट हमारा ये सेवैया खीर जो है वो बन के रेडी है। अब हम चलते हैं, इसकी फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको हम करते हैं सर्व। ये हमारा रेडी हो गया, इसको हम सेवैया खीर जो है कस्टर्ड वाली रेडी है, चलते हैं सर्व करने का प्रोसेस में। तो देखिए इसका टेक्सचर जो है कितना क्रीमी टेक्सचर दे रहा है। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट कस्टर्ड वाली सेवैया खीर रेडी है, इसको बनाना भी बहुत ईजी है। तो इस रेसिपी के जरूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और ये झटपट के बन जाता है और इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो घर के ही सामग्री से हमारा ये कस्टर्ड सेवैया खीर रेडी हो गया है और इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। इसको आप पूरी के साथ या इसी तरह भी सब कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगा। और मेरा रेसिपी कैसा लगा, और अगर मेरा रेसिपी पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए आज का ये जो मीठी वाली सेवैया खीर रेसिपी आप लोग के सामने रेडी है। इसकी थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से हम करेंगे गार्निशिंग। तो एकदम ये परफेक्ट हमारा सेवैया कस्टर्ड वाली हमारा रेडी है। तो प्लीज़ इसको घर में अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत लाजवाब बनता है और बहुत क्रीमी टेक्सचर वाला है।